मध्य प्रदेश के बड़े अधिकारी अब दबी आवाज में बोलने लगे हैं कि अब कांग्रेस सरकार में परफॉर्मेंस ज्यादा जरूरी नहीं। एमपी में कांग्रेस की हार कांग्रेसियों के लिए अबूझ पहेली बन गई है। विधानसभा चुनाव के महज 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से कांग्रेस सकते में है। इसके लिए पार्टी में मंथन का दौर जारी है और हार के कारणों की समीक्षा शुरू हो गई है। कारण जो भी हो, मगर हार का बदला अफसरों से लिया जा रहा है, यह साफ दिखने लगा है। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि आईपीएस अफसरों के साथ साथ दर्जन से अधिक एसपी हटाए व बदले गए हो और उसी तरह आईएएस अफसरों को भी इधर उधर करने के साथ 11 कलेक्टर हटाकर शासन में पदस्थ किया गया हो। और मजे की बात तो यह है कि हटाए गए 11 कलेक्टरों के साथ एक नगर निगम कमिश्नर और 12 एसपी को 4 दिन गुजरने के बाद भी कोई काम नहीं मिला है। एसपी पुलिस मुख्यालय में हटे छे तो कलेक्टरों को मंत्रालय में रखा गया है, यानी कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में एसपी और कलेक्टर के बिना वहां का तंत्र लचर हो गया है। सरकारी बाबू और जनता में एक ही बात हो रही है कि इनमें से ज्यादातरों को नेताओं की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हटाए गए कलेक्टर के नाम कुछ यूं है: सुदामा पंढरीनाथ, खाडे, दीपक सिंह, शमसुद्दीन, उमेश कुमार, सेलबाला मार्टिन, सत्येंद्र सिंह, गणेश शंकर मिश्रा, षणमुख प्रिया मिश्रा, नीरज कुमार सिंह, पंकज जैन, राजीव रंजन मीणा। जबकि हटाए गए एसपी के नाम इस प्रकार है: हिमानी खन्ना, कुमार सौरभ, जगत सिंह राजपूत, तरुण नायक, वीरेंद्र सिंह, निमिष अग्रवाल, सिद्धार्थ बहुगुणा, विवेक अग्रवाल, यांगचेन भुटिया, दीपक शुक्ला, मनोज श्रीवास्तव और हेमंत चौहान। लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष के साथ कुछ कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की कार्यशैली उनके ट्रांसफर की बड़ी वजह बनी है। अब ब्यूरोक्रेसी में यह बात जोर पकड़ रही है कि अब एमपी की कांग्रेस सरकार में काम के कोई मायने नहीं है, परफॉर्मेंस का कोई मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि कांग्रेसी नेताओं की हाँ में हाँ मिलाई जाए और ना में ना।